पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया को तो अलविदा कह दिया है, लेकिन आज भी वो हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा हैं। अटल अमर हैं क्योंकि उन्होंने भारत को नया भारत बनाने में अहम योगदान दिया है। उन्होंने कभी पार्टी की राजनीति नहीं करी, बल्कि देश के लिए राजनीति की, आम जनता के लिए राजनीति की। चारों तरफ अटल के किस्सों की प्यार चल रही है, लेकिन इन सब में एक सवाल यही उठता है कि आखिर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ी है। बता दें कि साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो शपथ पत्र दिया था, उसके मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 30,99,232 रुपये और 41 पैसे थी, और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें हर महीने 20,000 रुपये मासिक पेंशन और सचिव स्तर की सहायता के साथ 6,000 रुपये का कार्यालय खर्च भी मिलता था। इन सब के मुताबिक अटल जी के पास एक फ्लैट जो दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में है, उसकी कीमत करीब आज के ज़माने में 80 लाख से ज़्यादा है। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने कभी कोई भ्रष्टाचारी नहीं की, ईमानदारी के पैसे कमाए और आज जन जन के महा जननायक कहला रहे हैं। SPN9 न्यूज के लिए सरिता की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।